करे ले देसी, तो इन्होंने छिल के इन्होंने काट के लगा के इन्होंने अच्छी तरह नमक लगा के धूपते रख दिता, और इधर वेट करांगे इंशाल्लाह 2 घंटे तकरीबन, धूपते इन्हों अच्छी तरह खुश होने वास्ते रखांगे। वालेकुम साहब दोस्त, किदा है? यकीन है तुम ठीक होवोगे। अलहमदुल्ला मैं तुहाडे दुआ ना बिल्कुल ठीक ठाक। ते एक नवी एपीसोड दे नाल ते नवी वीडियो दे नाल एक बार फिर देसी तड़का च खुश आमदीद। ते अज असीं बनावांगे इंशाल्लाह देसी करेले डिफरेंट स्टाइल दे नाल भर के अच्छी तरह फिर इहनूं फ्राई करांगे सरसों दे तेल दे विच। ते बहुत ही यूनिक है रैसपी, है देसी रैसपी है, इहनूं एंड तक देखना तुसीं। जो चीज़ां ने मैं तुहाडे नाल शेयर करदा चलां ताकि असीं नैक्सट प्रोसेस की तरफ चल सकीए। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनावांगे। मेरे कोल 1 किलो करेले ने जो अच्छी तरह मैं तो छिल के वाश करके उन्हें नमक लगाता। अच्छा थोड़ा जहा बेसन है, हसबे ज़रूरत नमक है, हल्दी का पाउडर आ, लाल मिर्च का पाउडर आ, घर का धनिया सुक्का जड़ा उन्होंने अच्छी तरह पीस लिया, वह पाउडर बना लिया सी, ठीक है। और अद्धा किलो मेरे को कीमा, चिकन का कीमा, ठीक है। एक अद्धा मेरे को आलू आ, एक अद्धा मेरे को टमाटर आ, दो अद्धा मेरे को मिर्च आ, और 1.5 मेरे को छोटे दरमियाने प्याज आ। सब तो पहला आप जो कीमा और आलू है इन्हों अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। हल्का जहा नमक पा के आलू और जोड़े साढ़े को चिकन है कीमा उन्होंने 5-6 मिनट वास्ते बॉयल कर लेंगे जी। अलहमदुल्ला सारी जी तमाम चीज़ा जड़ियाँ कटिंग भी हो गई है, और उस तो बाद जो सा आलू से वह भी बॉयल हो गया, और साढ़े को जो चिकन का कीमा सेगा वह भी अच्छी तरह बॉयल हो गया वा जी। अलहमदुल्ला सारी चीज़ा साड़ी कटिंग हो गई है। अपना सब तो पहले आलू डाल के अच्छी तरह उन्होंने कुट लाँगे। अपना इस पाओगे प्याज, जिन्हों कहा जाता है पंजाबी गंढे, आपां इस पावांगे टमाटर, हुण पावांगे असीं इहदे च पीसे हुए करेलियां दे बीज। पहले दस चुक्या तुहानूं अगर ये पक्के होण तां फिर इस्तेमाल नहीं करने, अगर ये कच्चे भी होण तां फिर अच्छी तरह तुसीं रगड़ लैणा इहदे च। हुण आपां इहदे च पावांगे कीमा, नहीं आपां इहदे च पावांगे हुण सब्ज़ मिर्चां, सब मिर्चा के नाल ही असं धनिया बिच पा देंगे। सारी सारी चीज़ा जी अच्छी तरह मिक्स हो गई, अच्छी बिस्मिल्लाह हरमान रहीम इनू कढ़ लेंगे। साढ़े को जड़ा बेसन सी वो पा के तमाम मसाला जात जैसे जीरा वा, खुश्क धनिया पीसा हुआ, लाल मिर्च का पाउडर आ, हल्दी का पाउडर आ, और हसबे जरूरत नमक आ, इन्होंने सारी चीज़ों असी हम अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह थोड़ा जहाँ गुन लाँगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जो बोलो ना। अज्ज दी रैसपी किस तरह लगी जरूर कमेंट्स करना, और चैनल नूं सब्सक्राइब करना नहीं भुल्लना।
हर हाल चैनल में सब्सक्राइब करा करो और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करा करो ताकि हर आने वाली नवी वीडियो तक पहुंच सके। बिल्कुल देसी स्टाइल डिफरेंट स्टाइल दे भर के केले बना करेला जड़ा भर के नू बनाने का तरीका जड़ा बहुत डिफरेंट है जी। अलहमदुल्ला साडा अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो गई है और इनू तुसी बनाना बहुत ही आसान है और बना के फीडबैक जरूर मुझे देना और यकीन तुसी ये पहली दफ़ा इस तरह की रेसिपी देखी होगी क्योंकि मैं जिन्हिया भी रेसिपियां लेके आना डिफरेंट किस्म दियाँ और बिल्कुल देसी स्टाइल देसी तरीके वाली देसी जड़ी हैं वो मैं लेके आना। तो ज़रूर कोशिश करा करो इनू दूसरे अपने फ्रेंड्स ने अपने फैमिली मेंबर ने शेयर करने की। हुण जिहड़े करेले आ इहनूं अच्छी तरह किसी कपड़े च पा के इहनूं निचोड़ लांगे। आपां हुण आ जिहड़े है करेले विच पा के इहनूं निचोड़ लांगे अच्छी तरह। हाँ पानी बच्चे देखा तो निकल गया सारे। जी अलहमदुल्ला देख सकते हो तुसी अच्छी तरह मैंने दबाया तो विचों कले कले हो गए खुल गए ने पानी सारा निकल गया। हालांकि अजे 2 घंटे धुप्पते भी रखिया सी नमक लगा के और फिर धोता से धोने की वजह से पानी जो शामिल है सू घुट गया सी कढ़ लिया। हुण असीं इन्हां नूं अच्छी तरह भरांगे। सानूं भरन दे नाल नाल इक नलकी चाहीदी है जिहड़ी असीं उत्ते शामिल करांगे। आपां नूं भरांगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिदा असी इन्हें बंद कर जावे अलहमदुल्ला असी इन्हें इस तरह देखो असी बल दे लेंगे इन्हें सैट कर लेंगे और इन हूँ असी सारे इस तरह करके जला लिया। तो रखेंगे सब तो पहले कढ़ाई सरों का ऑयल असी शामिल करता कढ़ाई दे और अच्छी तरह जिदा ही गर्म होंगे असी ये 2 करेले शामिल करा गर्म हो गया असी आँच स्लो कर देंगे ताकि स्लो आँच के उत्ते साढ़े अच्छी तरह ये करेले फ्राई हो जाए पक जाने ज़रा भी कच्चे ना रहन। साढ़े जड़े आ करेले भरे हुए फ्राई हो रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ देर तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल स्लो स्लो आंच से असी इन्हू अच्छी तरह पकावे और हूँ तकरीबन आखिरी 2 रह गए और तकरीबन इन्हों 1.5 घंटा लगा फ्राई करद हो। साढ़े करेले जो अच्छी तरह फ्राई हो गए असी शामिल करा ग्रेवी वास्ते ऑयल दे विच प्याज देखो कितनी प्यारे लुक और यम्मी और स्पाइसी किस्म के साढ़े करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। असीं इहदे टमाटर शामिल करांगे असीं बचा है कीमा इहदे शामिल करांगे असी इन इन्ना फ्राई करांगे कि साढ़ा जिहड़ा ही कीमा बने मसाला ऑयल छड़ दे। जी अलहमदुल्ला अज की रेसिपी साड़ी बन के बिल्कुल तैयार आ। सरसों के तेल दे विच फ्राई किए हुए करेले कीमे दे नाल इन्हू भर के बनाया जी। अज की वीडियो कैसी लगी रेसिपी कैसी लगी इहदा बनाओ फीडबैक मैनू देना।
और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैनू दियो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।